हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। ये एक्चुअली ईयर एंड चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस वजह से बहुत सारी जगह पे डिस्कशन चल रहा है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है, उसका अभी टाइम आ गया ऐसे वगैरह 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 बहुत डिस्कशन चल रहा है। तो आई थॉट कि उस पर मैं मेरे जो अंडरस्टैंडिंग्स है, मेरा जो मुझे समझ में आ रहा है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ कीप इन माइंड ये टैक्स रिलेटेड इशू है, खास करके इक्विटी रिलेटेड इशू है। तो इस वीडियो को ऐसा समझ के मत देखिए कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़ है या फिर टैक्स एडवाइज़ है। हमेशा टैक्स रिलेटेड इशूज़ के लिए जो टैक्स फाइलिंग करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग, या फिर CA होते हैं, तो उन्हें कंसल्ट करना हमेशा अच्छा होता है। तो बेसिक लेट्स सी कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बेसिकली होता क्या है। तो ये जो नाम सजेस्ट करता है, टैक्स का जो लॉस है उसको हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट करना यानी क्या? खेती करना। किसान जैसे ज़मीन में बीज बोता है और उससे खेती करता है, तो उससे हम टैक्स लॉस को बचाएंगे और वो बचा के उससे प्रॉफिट कमाएंगे या फिर उससे फ़ायदा कमाएंगे। तो अभी हमेशा ये लोगों में एक सवाल रहता है कि लॉस फ़ायदा कैसे कर सकता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे अकाउंट में बहुत सारा लॉस पड़ा हुआ है। और लोग समझो कि मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ कि सपोज़ 1,000 रुपये का सपोज़ इन्फोसिस या फिर कोई रिलायंस ऐसा नाम, रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1,000 रुपीज़ का एक जेनेरिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो 1,000 रुपीज़ का कोई शेयर आपने बाय किया और वो एक महीने या दो महीने बाद 500 रुपये हो गया, तो आपको लॉस हो गया 500 रुपये। तो लॉस के जो लॉस और प्रॉफिट के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली आप कितने ड्यूरेशन पे कोई शेयर होल्ड करते हैं या फिर अकाउंट में रखते हैं उस पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक्चुअली ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक सिंपल चीज़ है, मगर उसको समझने के लिए हमें दो चार चीज़ें जो उससे कनेक्टेड है वो समझना पहले ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? कोई शेयर आप बाय करते हैं और एक साल से पहले उसको बेच देते हैं, तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अपोजिट कोई शेयर आप एक साल से ज़्यादा एक दिन भी होल्ड करते हैं तो फिर वो आ जाता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, लॉन्ग टर्म कैपिटल में। तो उससे जो भी फ़ायदा होगा उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उससे जो भी लॉस होगा उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये जो मैंने शेयर आपको दिखाया, ये 1,000 रुपये में ख़रीदा, एक महीने बाद 500 रुपये हो गया, तो पर शेयर आपका लॉस हो गया 500 रुपये। तो अभी ये जो लॉस होगा ये शॉर्ट टर्म लॉस होगा। तो अभी आप सोचेंगे कि मैं ऐसा एक्चुअली पिछले नवंबर से जब से स्लो डाउन आया, रिसेंटली 10% कुछ मार्केट में राइज हुआ है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो जिनके पास स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह स्टॉक हैं तो 40%, 50%, 70% तक कुछ कुछ के स्टॉक डाउन है। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा शॉर्ट टर्म लॉस है। तो अभी वो क्या सोचते हैं कि इस लॉस का क्या किया जाए? तो उस पर एक सोल्यूशन है कि अगर आपको लगता है कि वो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने जैसी है कि अगर आपको लगता है कि वही जो 1,000 वाला शेयर है वो एक महीने बाद, आपकी ऐसे एक्सपेक्टेशन, आपका एक कैलकुलेशन है कि वो एक महीने बाद शायद बढ़ सकता है और उसमें मुझे फ़ायदा हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है या फिर डिमांड आ सकता है, इलेक्शन के बाद कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ आपने बेट दाव लगा के रखा है कि वो बढ़ सकता है, तो उसके लिए वो एक है। और दूसरा आप सोचते हैं कि मैं ये शेयर बेच दूं और इसी फील्ड का दूसरा शेयर ख़रीद लूं, तो वो एक आपका बेट हो सकता है या फिर अटेम्प्ट हो सकता है। तो वो सब में आप क्या कर सकते हैं, ये जो लॉस है आपको क्या करना है, 31 मार्च के पहले यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे जो आता है वो 28 मार्च आता है, ओके, क्योंकि डिलीवरी में ये काउंट होता है। तो 28 मार्च इस साल का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, तो 28 मार्च या फिर 28 मार्च से पहले आपको वो शेयर सेल करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में गिना जाएगा एज अ लॉस करके, तो 500 रुपये लॉस हो गया। तो हमें लॉस क्यों बुक करना है? इसलिए कि या साथ में एक आपके पास कोई तो दूसरा शेयर होगा या फिर जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा। सपोज़ वो 1,000 में आपने शेयर लिया था, यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ XYZ या फिर एग्जांपल कंपनी का, और वो 1,500 हो गया और आपने प्रॉफिट, आपने सोचा कि
ये इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता हो, इसका पीक आ गया, आपने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। अभी ये शॉर्ट टर्म गेन है जो कि एक साल से नीचे के होल्डिंग के लिए है, तो इस पर टैक्स लगता है लगभग 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स करके, तो ये टैक्स हो जाएगा 75 रुपये। तो ये एक शेयर का 75 रुपये हो जाता है 1,000 के शेयर के लिए, मगर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यही होगा तो ये 75 रुपीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर 1,000, 10,000, 15,000 तक जा सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने लॉस बुक कर लिया और पहले से आपके पास कहीं तो प्रॉफिट हुआ, या फिर आप प्रॉफिट पर जो टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आप ये शेयर भी अगर आपके पास लॉन्ग आपके पास पहले से प्रॉफिट है या फिर फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है तो ये लॉस बुक करके रखेंगे। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है जिसके अंडर आप ये जो लॉस है इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 500 रुपये लॉस था और 500 रुपये गेन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और आपका नेट कैपिटल गेन हो जाएगा 0, जिसके ऊपर 0 टैक्स होगा। तो बेसिकली आपने लॉस बुक किया और दूसरा जो प्रॉफिट है उसके साथ मैच कर दिया, जब आप ITR फाइल करेंगे उसके अंदर ये ऑप्शन होगा एज़ फार एज़ आई नो, तो फिर ये मैच हो गया और 0 टैक्स आ गया। तो मगर आपके दिमाग में ख्याल है कि ये जो 1,000 वाला शेयर है ये शायद 2,000 भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये जो लॉजिक है या फिर ये प्रोसेस है इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि यही शेयर आपको 2 दिन के बाद ख़रीदना है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप BSE या फिर एक एक्सचेंज पे बाय करके दूसरे एक्सचेंज पे इमीडिएटली सेल कर देते हैं, या सॉरी एक एक्सचेंज पे सेल करके मतलब NSE पे सेल करके BSE पे बाय करते हैं या फिर BSE पे बाय करके NSE पे सेल करते हैं, तो फिर भी उसको एक लॉस बुकिंग ट्रांजैक्शन करके काउंट किया जाता है। मगर इसके बारे में बहुत सारे लोग अनसर्टन हैं, ये एक्चुअली अकाउंटिंग का ग्रे एरिया है, तो इसमें शायद लिटिगेशंस हो सकते हैं फ्यूचर में इसके कन्फर्मिटी के लिए। तो ये मेथड तो मुझे भी कन्फर्म नहीं लगती, तो बेटर वे कि आप 2 दिन का गैप रखें, डिलीवरी आपके अकाउंट से कट जाएगी 28 के बाद, तो जो नेक्स्ट T+2 जो ट्रेडिंग डे रहेगा आपको यही स्टॉक बाय करना है। तो इसमें एक रिस्क क्या है कि 2 दिन का गैप अगर बीच में आप रखते हैं तो ये शेयर इसी टाइम में हो सकता है कि 5% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, या फिर 2% बढ़ जाए, या फिर घट जाए। अगर घट गया तो आपको सस्ते में वापस मिल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया तो थोड़ा जो गेन है वो आप लूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के प्रोसेस का एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर आपकी जो 2 दिन के बीच में वेरिएशन की अपॉर्चुनिटी है वो लूज़ हो सकती है, तो वो भी रेयर केस है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा कोई कहेगा नहीं कि ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रही है, वो ज़्यादा इतना काउंटिंग में नहीं है। तो इससे ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो इससे जुड़े कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो फर्स्ट तो मैंने मेथड बता दिया कि आपको सेल करना है, 2 दिन के बाद वापस ख़रीदना है। दूसरी मेथड जो मैं तो पर्सनली अप्रूव नहीं करूँगा या फिर मानता नहीं हूँ कि ये हो सकता है या फिर ये करेक्ट मेथड है कि एक एक्सचेंज पे बाय करके दूसरे पे सेल कीजिए, क्योंकि ऐसा इनकम टैक्स की या फिर कोई भी अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इसको बैक करने वाला डेटा इतना मिलता नहीं है। शायद वो हो भी सकता है, या फिर आई विल रियली वेलकम कि कोई मुझे कन्फर्मली बता दे कि ये सही तरीका है, तो मेरे लिए भी वो एक न्यू लर्निंग जैसा होगा। तो दूसरा टैक्स को समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स 15% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% है, मगर वो भी 1,00,000 के ऊपर। तो इसके अंदर एक चीज़ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे अकाउंट में इतना लॉस है, वो कंफर्म कैसे करेंगे। तो वो करते समय आप डायरेक्टली आपके जो आपका ब्रोकर हो सकता है ऐसे डायरेक्ट या फिर ब्रोकर ज़ीरोधा या फिर कोई भी जो भी सैमको एक्सेट्रा, तो उसमें जाके आप होल्डिंग में जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। मगर आप उसमें एक फ्लॉ या फिर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि इसका बाइंग प्राइस जो आप पकड़ेंगे उसको एवरेज प्राइस पकड़ना है, क्योंकि क्या हो सकता है आपने कभी 100 रुपये पे ख़रीदा होगा या फिर 150 रुपये पे कोई ख़रीदा होगा एक शेयर, फिर बाद में और ऐड किए होंगे या ज़्यादा क्वांटिटी किसी और प्राइस पे ख़रीदा होगा। तो लॉस कैलकुलेट करते टाइम बाइंग प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस पकड़ना ज़रूरी है, और 28 तारीख या फिर 28 से पहले आपकी पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए। और दूसरा जो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है या फिर 2000
18 का जो बजट आया था रिसेंटली, उसमें जो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है उसमें जो चेंजेस आए वो हमें कंसिडर करना ज़रूरी है। एक्चुअली ग्रैंडफादरिंग और वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा इशू है। तो वो CA या फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी आपको टैक्स एडवाइस दे सकता है ऑफिशियली, उससे ज़रूर कन्फर्म करके फिर ही आप ये प्रोसेस करने की सोचें। अगर छोटा क्वांटिटी है तो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, मगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो प्लीज़ कंसिडर दिस पॉइंट, आई थिंक सो। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेरा, बहुत सारे लोग एक्चुअली ये क्वेश्चन दिमाग में होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मतलब एक साल के बाद जो होल्डिंग है वो मैं शॉर्ट टर्म के साथ ऐसे 500 रुपये इधर से और 500 रुपये इधर से जो सेट ऑफ किए लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म, तो ये जो पेयर है हम किसके साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे बेस्ट जो ये सिचुएशन में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी एडजस्ट करता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दोनों के साथ एडजस्ट हो जाता है। मगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है मतलब जो एक साल से ज़्यादा होल्डिंग के लिए आपको जो लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही एडजस्ट कर सकता है। तो कीप इन माइंड कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इसके साथ एडजस्ट होता है और LTC इसके साथ सेट ऑफ होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी होता है कि जो लोग ITR 1 या 2 भरते हैं उनके लिए ये सब प्रोसेस ठीक है, मगर जो लोग ITR 3 या 4 मतलब जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, फ्रिक्वेंट उनका ट्रेडिंग एज अ बिजनेस जैसे ही हो जाता है, उनका एक बड़ा हिस्सा इनकम से आ जाता है तो उसको बिजनेस करके ट्रीट करते हैं, ऑफिशियली में ITR भी बिजनेस करके भरते हैं। एक्चुअली ट्रेडिंग एज अ बिजनेस दिखाने के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं, उस पर मैं कभी और बात करूँगा। तो अगर आपने ट्रेडिंग एज अ बिजनेस दिखाया है तो आप कोई भी लॉस एक सैलरी छोड़ के इसके अंदर सेट ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये लिमिटेशंस नहीं होगा ऐसे कि ये लॉस इसके लिए या फिर वो लॉस उसके लिए। ट्रेडर के लिए ट्रीटमेंट अलग है इसके अंदर, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और इंट्राडे का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंट्राडे को स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम करके कहा जाता है, अगर उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इंट्राडे का जो भी गेन है वो इंट्राडे लॉस के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। तो ये 2-3 जो क्लासिफिकेशन है LTC STC और इंट्राडे वगैरह, तो ये ध्यान में लेना। और ग्रैंडफादरिंग और बाइंग एवरेज और 28 के पहले एग्जिट करना और प्रॉपर कैलकुलेशन करके फिर ही डिसाइड कीजिए कि आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना है या नहीं। द बेस्ट वे इज़ CA से कंसर्न कीजिए या फिर जो ऑफिशियल टैक्स एडवाइज़र है उसकी हेल्प लीजिए। तो और एक मिथ लोगों में यह है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है जो वो ईयर एंड के टाइम ही करना चाहिए या फिर किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे कि साल भर सोए हुए रहते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते टैक्स सेविंग के लिए वगैरह, और जब ईयर एंड आने लगता है तो वो अचानक से जाग जाते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या फिर कैलकुलेशन के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, तो गड़बड़ी में कुछ भी गलत तरीके से कर देते हैं और फिर इतना इफेक्टिवली वो कर नहीं पाते। तो ये साल भर भी होने वाली प्रोसेस है और ये कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है, ये मतलब सिस्टम अलाउ कर रहा है आपको और कोई आपको ना नोटिफिकेशन है इसके अगेंस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये एक लीगल टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि इक्विटी की जो रिस्कीनेस है उसको कंपेंसेट करने के हिसाब से शायद इसको डिज़ाइन किया गया। तो साल भर भी आपको कभी लॉस होता है और आपको लगता है कि यहाँ से आगे ये रिकवर कर सकता है या फिर मुझे इसमें से एग्जिट करना है, तो आप शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर सकते हैं और वो लॉस आपके अकाउंट में रहेगा और वो आप कोई भी गेन होता है आपको तो उसके साथ सेट ऑफ करने के लिए आपको काम आ सकता है। दूसरा इसका एक फ़ायदा है कि हमारी जो टेंडेंसी होती है कि हमसे जो लॉस होने वाले शेयर होते हैं वो छूटते नहीं, मतलब कोई शेयर में लॉस हो रहा है तो हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, हम उसको पकड़ के रखते हैं सालों तक या फिर बहुत लंबे टाइम तक, उसका साइकिल चला जाता है आप साइकिल फिर भी वो स्टॉक मूव नहीं करता है। तो वैसी टेंडेंसी से बाहर पड़ने के लिए ये एक अच्छा अट्रैक्शन है, मतलब अच्छा इंसेंटिव है कि आपको जो लॉस मेकिंग शेयर है उनसे एग्जिट करके प्रॉफिट मेकिंग शेयर में जंप करने का या फिर सिमिलर फील्ड के दूसरे शेयर्स में ट्रांजिट करने का एक अच्छा पॉजिटिव इंसेंटिव गिविंग तरीका इसको समझ सकते हैं। तो ये एक मेरा अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ रेफ़र माई डिस्क्लेमर, इस वीडियो के जो नीचे जो डिस्क्लेमर है वो रेफ़र कीजिए इसके बारे में सोचते हुए या फिर कोई भी डिसीजन लेते हुए। और मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स पे या फिर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे वीडियोज़ बनाए, आपको कोई भी
प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इशू है जिसके बारे में मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकता हूँ, या हम मिलकर कोई उसके बारे में हमारी लर्निंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड कि ये मिला जुला इवेंट टाइप है कि आप मेरे लर्निंग्स के लिए हेल्प कीजिए और मैं आपको हेल्प करूँगा। आपके पास कोई अच्छे ब्लॉग्स हैं या फिर कोई अच्छे इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं जहाँ से ऑफिशियली हम डेटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो एक्सेस कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं रिलेटेड टू शेयर मार्केट, बिजनेस and etc. whatever you like, please share into the comment box below my video. Thank you for listening. Thank you for watching. Share Market Friend.